तो ये हमारे पास जावा का 22 ट्यूटोरियल है। इसमें हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स के बारे में, हमारे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने मेन से अपने मेथड में भेजनी हो, पिछली वीडियो हम लोगों ने मेथड्स के बारे में पढ़ा था, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमने अपने मेन से अपने मेथड में भेजनी हो वो पैरामीटर के थ्रू भेजते हैं। तो मैं अपना एक मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक स्टैटिक एंड उसके बाद कोई भी इसकी रिटर्न टाइप लिखा। पिछली वीडियो में रिटर्न टाइप के बारे में बात की थी, मैं रिटर्न टाइप लिखता हूँ लेट्स सपोज वाइल्ड, एंड देन इसके बाद अपना नाम कोई भी रख लेता हूँ अपने मेथड का नाम, लेट्स सपोज मैंने रख लिया नेम, इसका नाम कोई भी रख लेता हूँ ना, एंड देन इसमें मैं क्या करूँगा सीज आउट, मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ मेरे वर्ड करवाते हैं। ओके अब क्या करेंगे, अब मैंने हेलो भेजना है तो अपने मेन से भेजूंगा, जो भी अपने मेथड का नाम है, जो अपना नेम, इसमें मैं लिखूंगा सिंपली जो भी मैंने स्ट्रिंग भेजनी है, मैं लेट्स सपोज में भेजता हूँ हेलो। अब होगा क्या, अब नेम में अब ये जो मेरे पास हेलो है ये कौन सी डेटा टाइप है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मैं अपने नेम में मेरे पास जो पैरेंथेसिस है पैरेंथेसिस में लिखूंगा अपनी जो डेटा टाइप है, क्या नाम था स्ट्रिंग, एंड देन कोई भी इसका वेरिएबल का नाम रख लूंगा, लेट्स सपोज मैंने ए रख लिया। अब ये क्या करेगा, मेरे पास जो मेरा मेथड है इसमें हेलो को भेज देगा स्ट्रिंग ए के थ्रू, मैं अगर लिखूं ए प्लस एंड देन वो मुझे रिटर्न करेगा हेलो वर्ड। इस तरह मैं मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकता हूँ, लेट्स सपोज हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं, तो कैरेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक अपना बना लेते हैं स्टैटिक, एंड मैं इंटीजर का होता कैरेक्टर बना लेते हैं इंट, एंड देन इसमें ले लेता हूँ सम, दो नंबर्स को सम करने का मैं अपना बना लेता हूँ मेथड, एंड देन इसमें लिखता हूँ इंट ए एंड इंट बी, एंड देन रिटर्न करवा दूँ ए प्लस बी। ओके अब अगर इसमें को मेन में करना हो तो मैं लिखूंगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस, एंड इसमें लिख दूँ अपना जो सम है, सम अपना मेथड का नाम, एंड इसमें दो वैल्यूज दूंगा, एक वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास जो इंटीजर में दो बनाए हुए हैं इंट ए और इंट बी, दो वैल्यू दूंगा कोमा डाल के 1 व 5। अब ये क्या करेगा, सम वाले फंक्शन में ए में मेरे पास भेज देगा 1, एंड मेरे पास जो बी होगा इसमें भेज देगा मेरे पास 5, एंड रिटर्न क्या होगा 1 + 5 जो कि 6 रिटर्न होगा। अगर मैं रन करूँ तो ये मेरे पास 6 है, लेकिन ये गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स नहीं है कि हम लोग इधर मैं डायरेक्ट ही मैं इसे सी आउट करवाऊँ, इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट सम के नाम से, कोई भी नाम वेरिएबल का हो सकता है, इसमें अपना रखूंगा अपने इस फंक्शन को, इसमें बनाऊंगा सम वाले को। अब ये क्या होगा कि मेरे पास जो वेरिएबल सम है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, इसमें ये वैल्यू चली जाएगी जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मैं इसको अगर इधर लिखूंगा सम जो मेरे पास वेरिएबल है, अगर रन करूँ जो मेरे 6 ही रिटर्न कर रहा है, अब मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँ, लेट्स सपोज मैं इधर 7 करता हूँ एंड देन इधर 8 करता हूँ, तो ये क्या होगा इंट ए में मेरे पास 7 चला जाएगा एंड इंट बी में मेरे पास 8 चला जाएगा, एंड रिटर्न मुझे कर देगा 7 + 8। ठीक हो गया, रन करूँ तो मुझे 15 रिटर्न करेगा। मैं अपना जो डेटा होती है मेरे पास सेम ली थी इंट ए एंड इंट बी, मैं इसको डिफरेंट भी ले सकता हूँ, डिफरेंट कैसे ले सकता हूँ, मैं अपना एक और मेथड बना लेता हूँ स्टैटिक्स वाइड का बना लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप होगी, एंड देन इसमें लिख लेता हूँ मैं कोई भी इसका नाम रखता हूँ माई मेथड रख लिया नाम इसका, एंड देन इसमें मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग नेम एंड देन एज इंट एज, इसका क्या मतलब है कि वो स्ट्रिंग नाम मुझे भेजे एंड इंट एज भेजे। ठीक हो गया, और इधर मैं लिख दूँ सिस आउट, मैं इधर लिख लेता हूँ अपना नेम प्लस, मैं इधर लिखता हूँ इज, अब बताता हूँ क्या किया मैंने प्लस एज। अब क्या होगा, अगर मैं अपने मेन में सिंपली लिखूँ अपना क्या इसका नाम लिखा माई मेथड, एंड देन इसमें मैं लिख देता हूँ अपना कोई भी नाम जो मैंने रखना है, नाम लेट्स सपोज मैंने रखना है उस्मान, एंड देन एज मैंने रखनी है
22 एंड सेमी कॉलन लास्ट पे, तो ये करेगा क्या? मेरे पास ये देखिएगा, ये जो माई मेथड है कि कौन सा मेथड है, ये वाला है, ये जो ब्लॉग है ये माई मेथड का है ना, इसमें देखिएगा क्या क्या है। मेरे पास जो पहली वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग की है, स्ट्रिंग नेम, एंड जो अगली वैल्यू है वो मेरे पास होगी इंटीजर की, एंड देन इन दोनों को मेरे पास आउटपुट को आ रहा है। अगर मैं रन करूँ तो भी आउटपुट देगा सुमान इज 22, तो इसमें स्पेस डाल देता हूँ। ओके सुमान इज 22, और मैं इसको और लिखना हो बजाय इसके मैं दोबारा दोबारा लिखूँगा उसमान सिस और दोबारा करूँ, मैं अपने से मेथड को कॉल करूँगा। ठीक हो गया, मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ कैपी 21। ओके तो ये मुझे आउटपुट शो करेगा सुमान इज 22 एंड देन कैपी इज 21, बजाय इसके कि मैं बार बार आउटपुट हुआ हूँ। मैंने एक अपना मेथड बना लिया है, एक फंक्शन बना लिया है जिसको मैं अपने मेन में कॉल कर रहा हूँ और वो मुझे आउटपुट करवा रहा है। तो ये थी मेरे पास पैरामीटर्स, मैंने पहले हम लोगों ने अपना स्ट्रिंग पैरामीटर भेजा एंड देन उसके बाद अपने इंटीजर दो भेजे एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एक स्ट्रिंग भेजा एंड और उसके बाद एक इंटीजर भेजा। तो ये था हमारे पास पैरामीटर को भेजने का तरीका। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स की ओवरलोडिंग, मतलब जो मेथड्स है उसकी ओवरलोडिंग देखेंगे पैरामीटर्स के थ्रू, ओवरलोड कैसे होते हैं मेथड्स।